देखिए भाई, काफी समय बाद थाला फैटी विजय की 68 फिल्म और साथ में लोकेश कनकराज के थलाइबा 171 से भी एक बड़ी अपडेट आ गई है। सो इसलिए सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, थाला फैटी 68 का शूटिंग अक्टूबर महीना से चालू हो चुका है और अब तक फिल्म का 3 शूटिंग शेड्यूल को खत्म कर दिए हैं थाला फैटी विजय सर। एक सबसे पहले चेन्नई में, फिर उसके बाद वेंकट प्रभु विजय सर को लेके गए थाईलैंड में फिल्म के शूटिंग के लिए, और अब काफी समय से थाला फैटी 68 का शूटिंग टर्की में हो रहा है। शायद जल्द ही टर्की का शूटिंग शेड्यूल भी विजय सर खत्म कर देंगे, क्योंकि ये शूटिंग शेड्यूल अब 20 दिन से ज्यादा हो चुका है। और साथ में विजय सर के कैरेक्टर से भी एक अपडेट आ गई है। बोला जा रहा है मीडिया में, इस फिल्म के अंदर विजय सर एक स्कूल स्टूडेंट का भी कैरेक्टर प्ले किए हैं, शायद जो इनका डबल रोल है फिल्म में, जिसमें से एक कैरेक्टर इनका स्कूल स्टूडेंट होगा। रणबीर कपूर के एनिमल के जैसा थाला फैटी विजय सर का यंग कैरेक्टर के फेस के ऊपर भी VFX का यूज करेंगे वेंकट प्रभु यंग दिखने के लिए। लगता है भाई वेंकट प्रभु चुपके चुपके दूसरे देश में एक बड़ी तबाही फिल्म का शूटिंग में लगे हैं, जो साईफाई भी होगा। बस मजा आ जाता अगर थाला फैटी 68 फिल्म के दोनों कैरेक्टर में से वेंकट प्रभु एक कैरेक्टर का भी लुक रिवील कर दिए तो। वैसे एटली कुमार भी कई बार बोल चुके हैं मेरी अगली फिल्म थाला फैटी विजय और शाहरुख खान के साथ होगी, यानी थाला फैटी 68 के बाद थाला फैटी 69 विजय सर एटली कुमार के साथ ही बनाएंगे, जिसका शूटिंग हो अगले साल के एंड से ही चालू करने वाले हैं शाहरुख खान के साथ। बाकी अब चलिए रजनीकांत सर की थलाइबा 171 पर आ जाते हैं। देखिए कल से मीडिया में हल्ला मच गया था कि शाहरुख खान रजनीकांत सर की थलाइबा 171 के पार्ट होंगे। तो भाई पहले आपको पूरा मैटर समझा देता हूँ। एक्चुअली में साल 2025 में रजनीकांत सर का 50 साल हो जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में, और इसलिए लोकेश कनकराज उनकी थलाइबा 171 को एकदम बड़े स्केल पर बना रहे, जिसके अंदर इंडिया के कई सारे टॉप स्टार का केमियो होगा। और इसलिए लोकी भाई शाहरुख खान से अप्रोच किए थे फिल्म का हिस्सा बनने के लिए, बट इन्होंने रजनीकांत सर की थलाइबा 171 को रिजेक्ट कर दिए हैं। जी हाँ, शाहरुख खान थलाइबा 171 के पार्ट नहीं है, वो केमियो नहीं करेंगे फिल्म में। सो इसी कारण ही सेम उसी रोल के लिए लोकेश कनकराज रणवीर सिंह से अप्रोच किए हैं और ये मान गए हैं रजनीकांत सर की फिल्म का हिस्सा बनने के लिए, बट एक कंडीशन पर, इनको फिल्म का पूरा स्क्रिप्ट सुनना है। सो इसीलिए अगले महीने लोकेश कनकराज थलाइबा 171 की पूरी कहानी रणवीर सिंह को सुनाने जा रहे हैं। बाकी रणवीर सिंह कन्फर्म हो चुके हैं थलाइबा 171 के लिए। बाकी भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।